20वीं सदी के प्रथम चरण में जापान रूस से नाराज था, क्योंकि रूस ने जापान द्वारा शक्ति से प्राप्त किए हुए लियांगतुंग से उसका अधिकार छीन लिया था और रूस मंचूरिया में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। मंचूरिया चीन का उत्तरी भाग है, खनिज संपदा से संपन्न है। 1900 ईस्वी के बक्सर विद्रोह के बाद रूस ने अपनी पाँव अच्छी तरह से जमा लिए। सन 1902 में रूस ने अंगल जापान संधि से घबराकर मंचूरिया से अपनी सेना वापस बुलाने का वादा किया, परंतु उसने ऐसा नहीं किया बल्कि उसने मंचूरिया में रेल लाइन बिछाकर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। कोरिया में भी रूस जापान में टकराव पैदा होने लगी और दोनों में युद्ध अस्वाभाविक बन गया। जब आपसी बातचीत से हल ना हो सका तो 10 फरवरी 1904 को रूस जापान में युद्ध शुरू हो गया। जापान ने रूस को जल, स्थल और हवा तीनों जगह बुरी तरह से हराया, जिसे रूसो जापान वार कहते हैं। 5 सितंबर 1905 को पोर्टसमाउथ की संधि से इस युद्ध का अंत हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।